Hello everyone. ओके बेटा, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड योर टॉपिक. सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर. आउट ऑफ दैट वी हैव स्टडीड थ्री पॉइंट्स. वेदर यू आर रिमेम्बरिंग दैट बेटा? First point we have studied about low production and productivity. That point is clear to everyone now. Then, yes. What beta say? Which point, beta? Where it is mentioned? This was a result of lack of means with the farmers, means due to which they are having less money, less production. So they are getting lack of incentive. Lack of incentive means less money they are returning, getting. Low production means lack of means. Means means unke paas kya cheez hai? To unki production hi unki cheez hai. तो लैक ऑफ प्रोडक्शन विद दी फार्मर्स, तो जब प्रोडक्शन कम होती है तो लैक ऑफ इंसेंटिव मींस लैक ऑफ मनी द टिलर्स ऑफ द सॉइल विल गेट, मींस द पर्सन हु आर वर्किंग ऑन दैट लैंड दे विल गेट लेस मनी बिकॉज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन. क्लियर? Second point and third point also we have finished. So today I am starting fourth point, lack of investment in agricultural infrastructure. First tell me, what do you mean by infrastructure? Infrastructure means not knowing. Infrastructure means the things which are giving us the benefit. That is called infrastructure. Like for a student now, like you are having mobile or laptop, so that is giving you the benefit to study. Books, pen, copies, these are things which are helping you to study. So things which are helping us in our life, daily life, that is called infrastructure facilities. So under infrastructure, roads, railways, transportation, all that things were coming. So lack of investment in agricultural infrastructure. So here they are talking about agriculture infrastructure, means the things which are helping us to increase our agriculture production, that things were called as agriculture infrastructure. So in agriculture infrastructure you are having lack of investment. At that time the persons are not having that much money to invest to purchase the machines. So due to that, they are having lack of investment in agricultural infrastructure. Like they have given the colonial government, means zamindars or Britishers, took no interest in promoting investment. Matlab un log koi interest nahi lete the ki wo agriculture ko progress karne de hamari country mein. उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई सोर्स नहीं बना रहे थे कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें और हमारा सोर्स बढ़ जाए, इनकम का सोर्स बढ़ जाए. तो परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन वर फार क्राय. हमारी परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन जो था, इरिगेशन फैसिलिटीज इजिली मिलती नहीं थी उस समय, क्योंकि उन लोगों को मेनली रेन के ऊपर डिपेंड था. अब ये ट्यूब वेल्स, कैनाल्स वगैरह डेवलप हो गए हैं जिससे इरिगेशन फैसिलिटी फुल टाइम हो गई है. उस समय तो ये फैसिलिटीज थी नहीं, तो एग्रीकल्चर जो है टोटली रेनफॉल पे डिपेंड था. और रेनफॉल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो हमारी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती थी. तो हमारी प्रोडक्शन टोटली अनसर्टेनिटी थी. या कई बार फ्लड आ गया, ड्रेनेज हो गई, ड्राउट हो गया, या सॉइल की फर्टिलिटी चली गई, तो जिसके कारण भी हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट होती थी. तो इन सारी चीजों पे ब्रिटिशर्स और जमींदार कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, जमीन पे कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, जिससे प्रोडक्शन डेली क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट. देन नेक्स्ट, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल. मीन्स गल्फ मीन्स डिफरेंस बिटवीन द ओनर ऑफ द सॉइल मीन्स द मालिक, एंड टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स द पर्सन हु आर वर्किंग लेबर.
इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप था, डिफरेंस था, तो ये एक पॉइंट हमारी बन गई थी. सो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज वॉज कैरेक्टराइज बाय अ ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉयल एंड द टिलर ऑफ द सॉयल. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ब्रिटिश टाइम पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि ओनर और लेबर के बीच में, टेलर के बीच में बहुत ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा था. व्हेन दी ओनर शेयर दी आउटपुट दी सेल्डम हार्डली शेयर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दे वर मेयरली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर रेंटल इनकम. मतलब जब ओनर अपना चाहता था तो वो बस अपना प्रॉफिट चाहता था, और प्रॉफिट कैसे चाहता था, या तो उनने जमीन रेंट पे दी है तो ज्यादा रेंट लेते थे, और अगर उनने मजदूर अपॉइंट करे हैं, हमारी मजदूर तुम हमारे यहाँ डेली बेसिस पे काम करो, तो उनको सैलरी बहुत कम देते थे, लेबर चार्जेस बहुत कम देते थे. बस वो कहते थे नहीं, हम अपना फायदा देके, हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम हो रहा है. तो जिसके कारण टेलर जो है उनको अपने पास पैसे ही नहीं मिल रहे थे, वो अपनी लाइवलीहुड ही नहीं स्पेंड कर पा रहे थे. सो दस टिलर ऑफ द सॉइल डज नॉट हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट, देयर ओनर हैड नो इंटरेस्ट. तो टिलर के पास कुछ चीजें ही नहीं थी कि वो खुद इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस चालू कर ले, और ना ओनर इन चीजों का इंटरेस्ट ले रहा था. तो स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस जो है वो इंक्रीज होती जा रही थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो जिसके कारण गल्फ इंक्रीज होता जा रहा था पुअर पर्सन और रिच पर्सन के बीच में. क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो? अंडरस्टूड ना बेटा? देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. स्मॉल मतलब थोड़ी सी जमीन, फ्रेगमेंटेड मीन्स छोटे छोटे से टुकड़े थे उन लोगों के पास, जमीनों के, फार्मर्स के पास, बड़ी लैंड नहीं है. जैसे देखो हम ही कुछ काम करते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा चीज होती है तो हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास थोड़ी सी चीज होती है तो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते. तो ऐसे ही उस समय फार्मर्स के पास क्या थे, छोटे छोटे से जमीन के टुकड़े थे, या तो वो उनके पास जमीन ही नहीं थी खुद की, तो वो दूसरे की जमीन किराए पे लेते थे, और अगर खुद की जमीन थी तो स्मॉल पीसेस थे, फ्रेगमेंटेड मीन्स छोटे छोटे टुकड़े थे कहीं कहीं पे. तो जिसके कारण प्रोडक्शन जो होती थी वो थोड़ी सी ही हो पाती थी, खर्चा ज्यादा हो जाता था और प्रोडक्शन कम होती थी. तो जिसके कारण उनके पास खुद के लिए पैसे ही नहीं बचते थे, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई थी, इनकम उनकी कम थी. तो ये एक रीजन था उस समय उनकी प्रॉब्लम का. देन नेक्स्ट सबसिस्टेंस आउटलुक. सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब क्या होता है? सबसिस्टेंस फार्मिंग कल भी मैंने बताई थी, किसी को याद है व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? यस, गुड. सेल्फ कंजम्पशन के लिए बस हम सोचते थे कि हम अपने काम के लिए, अपनी जरूरत, अपनी फैमिली की जरूरत के लिए बस काम कर लें, उतना उगाएंगे और उतना रख लेंगे. तो सबसिस्टेंस आउटलुक उस समय उनके पास कोई सोर्स नहीं होता था इनकम का, तो उनने जो उगाया उस फसल में से सबसे पहले वो अपनी फैमिली की जरूरत, साल भर में उनको कितनी जरूरत है वो रख लेते थे. उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता था फैमिली के लिए हटाने के बाद, जैसे मैं कह रही हमने खेती करी और प्रोडक्शन में हमारे 3 बोरे आउटपुट हो गए, तो उसमें से 2 बोरे हम ही को हमारी फैमिली के लिए जरूरत है, तो टू वो 2 बोरे हमने अपनी फैमिली के लिए हटा लिए, तो वो कहलाएगी सबसिस्टेंस फार्मिंग. और जो अब एक बोरा बचा, सरप्लस बचा, तो उस सरप्लस को हम सोल्ड करेंगे, तो वो कहलाता है मार्केट सरप्लस. तो वहां पे हम पहले अपनी कमर्शियल आउटलुक बाद में देखते थे, पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग को ध्यान में देते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स ही नहीं था हमारी इनकम का. तो ये एक पॉइंट है जो हमारी प्रॉब्लम का कारण बनी. आ गई समझ में? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही थी? तो ऑल दी 7 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बेटा सबको, सारी 7 पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं है? फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ, हाँ वही मैं कहूँ, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम? फिफ्थ पॉइंट में क्या, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड द टिलर ऑफ द सॉइल. हाँ तान्या, दिस पॉइंट ओनली?
देखो गल्फ का मतलब होता है गैप, भेदभाव, डिफरेंस, कुछ भी मीनिंग ले सकते हैं। तो गैप बिटवीन दी ओनर ऑफ दी सॉयल मीन्स मालिक, जिनकी खुद की जमीन है, मतलब ओनर मालिक, एंड टिलर ऑफ दी सॉयल जो उस जमीन पे काम कर रहे हैं, लेबर मजदूरी कर रहे हैं। तो इनके बीच में गैप ज्यादा था, क्योंकि ओनर क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स उनको बोलते थे वो करते थे। ओनर एक मिडिल पर्सन था, ओनर को रेवेन्यू देनी रहती थी ब्रिटिशर्स को, और साथ में ओनर को अपना प्रॉफिट भी चाहिए रहता था। तो हम अपना प्रॉफिट भी चाह रहे हैं और ब्रिटिशर्स को देना, मतलब हमें डबल प्रॉफिट चाहिए, और इनकम तो इतनी हो नहीं रही है। तो हम क्या करते थे, अगर हम हैं ओनर ऑफ दी सॉयल मतलब जमींदार, तो हम मजदूरों से क्या करते थे, जितना उनने काम किया उनसे ज्यादा टैक्स ले लेते थे। तो उनके पास कुछ खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं था, वो अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए, उनके पास इनकम बचती ही नहीं थी, थोड़ा बहुत पैसा बचता था, क्योंकि हम डबल ट्रिपल प्रॉफिट तो उनसे खुद ही ले लेते थे, एक हम अपना प्रॉफिट मांगते थे और एक ब्रिटिशर्स को देने का। तो इसके कारण टेलर्स के पास कुछ नहीं बचता था, और वो सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, तो जिसके कारण उनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा था। आ गया समझ में तान्या? सो दिस टॉपिक इज ओवर, नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेक्टर। मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज कोई बहुत सारी तो थी नहीं, कैपिटल इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। हम किस चीज में एक्सपर्ट थे, कल हमने समझा था, किस इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा इंडिया के पर्सन एक्सपर्ट थे उस टाइम पे। यस यस, हैंडीक्राफ्ट, गुड। नहीं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल में नहीं आएगा, वो सेक्टर अलग है बेटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम हैंडीक्राफ्ट में फेमस थे, हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अच्छे बनाते थे और हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, और बाहर वाली फॉरेनर्स हमारे उसको पसंद करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमें इस पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी कि हम हैंडीक्राफ्ट से फेमस बन रहे हैं, तो उनने हमें क्या कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद कर दी, और उनने हमें बस कहा आप रॉ मटेरियल ही बनाकर दोगे, फाइनल गुड्स तो फॉरेन कंट्रीज बनाकर सप्लाई करेगी, इंडिया कोई भी फाइनल गुड्स नहीं बनाएगा, बस वो रॉ मटेरियल बनाएगा। तो रॉ मटेरियल जब बनता था तो हम उनको सस्ते दामों में देते थे, और जब फाइनल गुड्स बनकर आता था तो वो हमें हाई रेट में देते थे, जिससे पहले ही हमने सस्ते में बेचा है तो हमारी इनकम कम है, और अगर हमें अब जरूरत तो है तो हम फाइनल गुड्स हमें वहीं से खरीदने पड़ते थे, क्योंकि हमारी कंट्री में फाइनल गुड्स बनते ही नहीं थे, तो हमें उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो इसके कारण फिर हम और क्या होते जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे, क्योंकि हमें अर्निंग हुई है कम और हमें पेमेंट करनी है ज्यादा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट करा। तो इसीलिए कहा है सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट करा। उनका मेन मोटिव था हमारी कंट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, मतलब इंडस्ट्रीज को बंद करने के लिए उनने दो मेन मोटिव करे थे, टू एक्सप्लॉइट इंडियन वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट, इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इनपुट इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। तो उनने हमें क्या करा, हमारे पैसे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, हमें बस रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बनाया प्राइमरी प्रोडक्ट का, वो भी कॉटन और जूट, और वो रॉ मटेरियल वो हमसे लेकर अपनी ब्रिटेन में बेच देते थे, और ब्रिटेन से उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके भेजते थे। फिर सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट, और इंडिया को पोटेंशियल मार्केट मींस एक मार्केट में मेन मार्केट में हिस्सा भी बनने नहीं दे रहे थे, वहां पे भी वो एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे। हम अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे, ब्रिटिशर्स ने जो रूल्स बनाया हमें उसी रेट पे बेचना पड़ता था, अगर हम अपने रेट्स में बेचते तो हम एक्सप्लॉइट नहीं होते, बट उनने यहाँ पे भी हमें एक्सप्लॉइट करा। तो दो तरीके से एक्सप्लॉइट करा, पहला उनने रॉ मटेरियल बेचने वाला बस बना दिया, और दूसरा जो एक्सप्लॉइटेशन था मार्केट में, हमें खुद डिसीजन नहीं लेने दिए, वो खुद अपने पॉलिसीज बनाकर अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग ब्रिटेन में बेचता था, जिससे वो अपने ब्रिटेन की प्रोग्रेस कर रहा था। दिस सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, तो इन दो कारणों से क्या हुआ,
इन दोनों कारणों से डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, एंड द पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट, और इंडियन मार्केट में क्या आने लगे, ब्रिटिश गुड्स सप्लाई होने लगे. तो पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो मेन पॉइंट्स अब उनने बताइए क्या क्या मेन कारण है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अफेक्ट करने का. तो सबसे पहला पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का नंबर कम करने लगे. किस तरीके से कम करने लगे, टैक्स रेट उनने कम कर दिया. टैक्स रेट कम कर दिया तो हमारे गुड्स सस्ते दामों में बिकने लगे, और जब सस्ते दामों में फॉरेन कंट्री में हमारे गुड्स बिकने लगे तो हमें हमारा खर्चा ही नहीं निकल रहा. तो उनने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे हम खुद ही इंटरेस्ट खत्म करने लगे, यार कुछ बच तो रहा नहीं है तो हम क्यों फॉरेन में बेचे. तो उनने हमारी अर्निंग्स को कम कर दिया और हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे हम खुद ही लॉस में जाने लगे, तो हमने इंडस्ट्रीज बंद करना चालू कर दिया. इस तरीके से इनडायरेक्ट इफेक्ट से उनने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करा. आया ये समझ में? तो अब ये रीड करके देख लेना, इसमें पूरा यही दिया है. सेकंड पॉइंट उनने क्या करी, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. ब्लीक मतलब दिया है नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. सो ब्रिटिश राज के टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी स्लो डाउन हो गई थी. मतलब वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज को हमें स्टार्ट ही नहीं करने दे रहे थे, और थी तो कुछ गिनी चुनी ही थी. इट वॉज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स एमरजेंस. तो 19th सेंचुरी में ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज की एमरजेंसी चालू हुई, मीन्स उसको स्टार्ट करने के बारे में सोचा, नहीं तो 18th सेंचुरी तक तो इसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था. तो फाइव ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड. तो कौन सी पांच चीजों को ध्यान में रखकर हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की सोचा उनने, डिसीजन लिया. तो वो फर्स्ट, इनिशियल कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप. सबसे पहले हमारे यहाँ ये मार्क कर लो कौन सी मिल्स स्टार्ट हुई थी, कॉटन एंड जूट मिल्स स्टार्ट हुई थी, जो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, महाराष्ट्र में और गुजरात में. वो मेनली कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, जिसको कंट्रोल कौन करता था, इंडियंस. जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल, और जूट की इंडस्ट्रीज बंगाल में थी, और वो उसको कंट्रोल कौन करता था, फॉरेनर्स. देन इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी चालू करी गई, जिसको कहा गया है टिस्को. देन इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो 1907 में स्टार्ट हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. सीमेंट पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट करी गई. देन धीरे धीरे हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज चालू करी. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज चालू करी गई. फिर धीरे धीरे उनने न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर से देखा कि हमारी इनकम बढ़ रही है, तो इंडस्ट्रीज का रेशियो हमारी कंट्री में बढ़ने लगा. और मॉडर्न इंडस्ट्रीज कम थी, फिर धीरे धीरे हमने रेलवेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजों का एक्सपेंशन करके अपनी इंडियन मार्केट को धीरे धीरे आफ्टर इंडिपेंडेंस बढ़ाने की कोशिश करी. आ गया समझ में बेटा ये? ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड? यस, परचेजिंग एंड सेलिंग, और इंस्टेड ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग वी कैन यूज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विद द अदर कंट्रीज. वन नेशन विद द अदर नेशन, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, और वी आर सेइंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो. तो पहले हमारी कंट्री को मालूम ही है आपको, सोने की चिड़िया कहा जाता था. दैट मींस हमारी कंट्री के पास इनफ मनी था, सोना ही सोना था, इतना गोल्ड था कि हम हर चीज में गोल्ड को यूज करते थे. बट स्लोली स्लोली ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमें धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज बनाई कि हमारी चीजें उनने छीनना चालू कर ली, कंट्रोल करना चालू कर लिया, और धीरे धीरे हमारी सारी चीजें उनके पास जाती गई, और हम क्या हो गए, एक पुअर नेशन में हो गए, और इवन अंडर डेवलप्ड बन गए.
अब अंडर डेवलप से इतनी सालों के बाद हम किस नेशन में आए हैं, डेवलपिंग में आए हैं, अभी भी डेवलप्ड नहीं बने हैं। डेवलपिंग मीन्स प्रोग्रेस चल रही है बट डेवलप्ड नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिका डेवलप्ड है वैसे हम नहीं हैं। सो फॉरेन ट्रेड किस तरीके से हमारी कंट्री को अफेक्ट करा था, अब वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इंडिया हैज रिक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशंट टाइम। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड में एंशंट टाइम से बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा था। द रोमन यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। तो रोमन्स इंडिया को क्या कहते थे, सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन, इसका मतलब क्या होगा बेटा? बताइए। वर्ल्ड का पैसा सिंक हो रहा है। सिंक हो रहा है मतलब जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना बना के बेचते थे तो उनका पैसा हमारे पास आ रहा था। तो प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज अ वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो हम लोग फिनिश गुड्स बेचते थे। क्या क्या बेचते थे? कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन, वुडन गुड्स, ये सब प्रेशियस स्टोन, आइवरी प्रोडक्ट, मतलब ये जो दांतों से चीजें बनती हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते थे। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो फॉरेन का पैसा हमारे यहाँ आ रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अब हमें फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर ना बनाकर बस रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया कि बस हम अब कच्चा माल बेच सकते हैं, फिनिश गुड्स नहीं बेच सकते। और फिनिश गुड्स कौन बेचेगा? फॉरेन कंट्री। तो हम बस उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इस पॉलिसी में उनने इसको कैसे करा, उनने ट्रेड एंड टैरिफ रेट को चेंज कर दिया। ट्रेड एंड टैरिफ रेट क्या होता है? टैक्स रेट, मतलब अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तो टैक्स कम लगेगा और बट हम खरीद रहे हैं तो टैक्स ज्यादा लगेगा। तो जब हम बेचेंगे तो टैक्स कम लगेगा तो हमारी इनकम कम होगी, और जब हम खरीदेंगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा तो हमारे पास से पैसे ज्यादा जाएंगे। तो ये एक कारण है जिसके कारण हमारा पैसा क्या होने लगा, सिंक होने लगा। फिर हमारा पैसा दूसरे यहाँ के यहाँ जाने लगा। पहले हमारे यहाँ आ रहा था बट उनने अब ऐसी पॉलिसी बनाई कि हमारी मनी फॉरेन कंट्रीज में जाने लगी। तो स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो हमारी फॉरेन ट्रेड के बारे में उनने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, तो वो ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये पॉइंट तो सबको समझ में आ गई होगी कि हम बेच क्या रहे हैं, बस रॉ मटेरियल, और खरीद क्या रहे हैं, फिनिश गुड्स। तो क्यों? क्योंकि उनने टैक्स एंड टैरिफ रेट में चेंजेस कर दी। टैक्स एंड टैरिफ रेट मतलब टैक्स रेट, तो टैक्स रेट में चेंजेस करी। बताओ, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ रेट बढ़ा था कि कम हुआ था? जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो टैक्स रेट बताओ बढ़े थे कि कम करे थे उनने? और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो टैक्स रेट क्या कर दिया था? और उनने हमें क्या चीज का एक्सपोर्ट बना दिया था, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे और हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे? तो जिससे हमारी मनी क्या होने लगी थी, सिंक होने लगी थी, जाने लगी थी कहाँ, फॉरेन कंट्रीज में। तो ये पॉइंट समझ में आ गई। देन नेक्स्ट पॉइंट दे हैव सेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? लास्ट ईयर पढ़ा है मोनोपोली मार्केट। व्हाट इज मोनोपोली मार्केट? नहीं याद? मोनोपोली मार्केट मींस सिंगल सेलर, अकेले हम ही हैं गुड्स बेचने वाले। मोनोपोली पावर, सिंगल पावर, खरीददार बहुत सारे हैं मगर बेचने वाला एक ही है। तो जब बेचने वाला एक है तो वो अपने नियम कानून बनाएगा। तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, तो उनने क्या करा, इंडिया की फॉरेन ट्रेड में उनने अपना मोनोपोली कंट्रोल कर लिया। ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल कर लिए सिंगल, कि उन्हीं के नियम चलने हैं, हम लोगों का कोई नियम नहीं चलना है।
So during the British rule, export and import of our country came under monopoly control of British control. तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा था किसके कंट्रोल के द्वारा हो रहा था? ब्रिटिशर्स के. तो उनने अपनी पॉलिसीज बना ली थी. क्या पॉलिसी बना ली थी? कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ग्रेट ब्रिटेन. मतलब इंडिया को 50% माल तो ग्रेट ब्रिटेन को ही बेचना है. द रेस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना, सेलोन एंड पर्शिया. बाकी माल आप इन तीन नेशंस में बेच सकते हो. Control of Britain over Indian foreign trade intensified after the opening of Swiss Canal in 1869. So 1869 में Swiss Canal बनाया गया था. Swiss Canal क्या था? एक short route बनाई गई थी. नहीं तो पहले बहुत लंबा route था Great Britain तक माल बेचने के लिए. तो उन्होंने Swiss Canal से एक short route बनाई थी 1869 में, जिससे यहाँ से raw material जल्दी वहां पहुंच जाता था. तो जब ये स्विस कैनाल बन गया, रूट बन गई, तब उनने ये पॉलिसी बना दी कि 50% माल तो इंडिया को बस इसी नेशन को बेचना, और किसी नेशन को बेच ही नहीं सकती. तो और कोई नेशन हमसे खरीदेगा ही नहीं, तो हमें झक मार के उन्हीं को बेचना है, और हमें उनको कम रेट में बेचना पड़ता है क्योंकि रेट भी उन्हीं के द्वारा फिक्स किए गए हैं. तो इस तरीके से उनने मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था अपना हमारी कंट्री पे. सेकेंड, हमें बस एक्सपोर्ट बना के रखा था रॉ मटेरियल का, और हम सप्लाई करते थे बस रॉ मटेरियल, जिसको इनपुट भी कहते हैं. और वी आर सप्लाइंग ओनली प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज रॉ मटेरियल एंड वी आर इंपोर्टिंग फिनिश गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. लास्ट पॉइंट, और बस फिर आज मैं क्लास वाइंड अप कर दूंगी. तो थोड़ा सा अगर क्रैकिंग आ रही है तो ध्यान दे लेना बेटा. सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स. सरप्लस, इट इज क्लियर ना? ओके. सो लास्ट पॉइंट ओनली वी विल स्टडी, सो दैट आवर टॉपिक विल बी कंप्लीटेड. टुमारो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. सो अप टिल हियर नो प्रॉब्लम ना? So last point is surplus trade but only to benefit the Britishers. तो देखो surplus trade का मतलब क्या है? हमारी country के ऊपर उनने ऐसे नियम बना दिए थे कि पहले तो वो अपनी मर्जी से इतना इतना माल ले जा रहे थे, और अगर कुछ surplus हमारे पास बच रहा था तो वो भी वो free में ले जा रहे थे अपनी army forces को develop करने के लिए. तो ये point समझा रही हूँ, समझ लो. सरप्लस वॉज ओइंग लार्जली टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स. तो हमें बस प्राइमरी गुड्स ही बेचना था, और वो भी सरप्लस जो थे वो हमें हमारे यहाँ से ले जा रहे थे, जिससे हम बैकवर्ड होते जा रहे थे. सरप्लस ट्रेड जो वो हमारे यहाँ से ले जा रहे थे, तो हमारे यहाँ अगर फूड ग्रेन्स बचे, क्लोथ्स बचे, तो वो सब अपने नेशन को डेवलप करने के लिए ले जा रहे थे. और अगर उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अपने मिलिट्री आर्मी फोर्सेस को डेवलप करने के लिए ले जा रहे थे. तो इस तरीके से वो हमारा अगर कुछ सरप्लस माल बच रहा है तो वो भी हमें यूज नहीं करने देते थे, वो भी ब्रिटिशर्स अपने नेशन में ले जाते थे. तो इससे हम टोटली क्या होने लगे, हमारा पैसा, हमारा हर चीज वहां जाने लगा, और हम बैकवर्ड होने लगे. आ गया समझ में फॉरेन ट्रेड से क्या हुआ? Okay, so now today revise all these topics. Okay, keep studying.